करंद पान करी आनंद बोला हरि 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 का नाम बांध भेड़ा पारी करी बेच काडोला सेच काडोलांक पयरे मन मोरहु निरंतरे मनमो निरंतर रहो हा कृष्ण बलि जीव जाओ हा कृष्ण बलि जाओ जीव मोते उधर राधा माव बोली जीव मोते उधर राधा धव मोते उधर राधा धव माते उधर राधा धव धर्म प्रजयित कैतवात्र परम निर्मसरणं सतम वेद्यं वास्तवतमस्तु वस्तु शिवेदं तापत्रयो अनुमिलनम श्रीमद्भागवते महामने कृते किंबा परीश्वररी सद्य हृदय वरुध्यते अत्र कुतुभि शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखं खादमृत दर्वसंयुतम् पीबतं भावतं रसमालयं हुरः रसिका भुवि भावुका अनथो पशमं साक्षात भक्ति योगं अधोक्षजे लोकस्या जानतो विदंश्चक्रे सत्त्वत संहिता जस्यं वैश्रूयमानायं कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा श्रीमद्भागवतं पुराणमूलं जत् वैष्णवानां प्रियं जस्मिन् परमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यां विस्तृतं तच्छृणन् सुपठन् विचारणं परभक्ता विमुच्ये नरो अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिनयो गायत्रीभाष्यरूपसो वेदार्थं परिगृहीतं सर्ववेदेतिहासं सारं सारं समुद्रुतं सर्ववेदान्तसारं श्रीमद्भागवतं इष्यते तद्रसामृततुप्तस्य नान्यत्रस्यादरति क्वचित् कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद ताते वेद शास्त्र होते परम महत चारि वेद
वेद उपनिषदे जत किछु हय तारथ लया व्यास करिल संचय जेई सूत्र जेई रूप विषय वचन भागवते से रूप श्लोक निबंधन जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास सुनिले हय सर्वनाश सर्वे पुरुषार्थ भक्ति भागवते हय भागवत चारि वेद कय चारि वेद दधि भाग वतन वनित थिले न सुख खाई लेना परीक्षित कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय श्लोके प्रत्यक्षरे नानार्थ कय भागवत तुलसी गं गाय भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण यही चारि सने आदि आदि मध्यन्ते भाग बते कया
कृष्ण भक्ति नित्य सिद्धा अक्षय व्यय प्रेमय भगवत कृष्णेर श्री अंग ताहते कहे न जत गोप्य कृष्ण रंग भागवत शास्त्रे सब भक्ति तत्व कहे भागवत सम कौन शास्त्र नहीं माया मुग्ध जीवे नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर को पाय कैला कृष्ण वेद पुराण जय भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत्राश्रय कर चैतन्य चरणे भागवत जेमानने भागवत जेनामने से जवन सम तार शास्ता अच्छे जन्मे जने प्रभु जम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम् दशमाध्याय
दशम स्कंद 58 अध्याय श्लोक नंबर 50-51। दशधेनु सहस्राणि परिबह्रमदाद् विभु युवतीनां त्रिसाहसं निष्कग्रीव सुवाससं श्लोक नंबर 49-50-51 यदि 50-51 दिया है इतना ठीक है। शंकर भेजा नका ने दूर ऋगीत वाद्य द्युजा शिशः नरा नार्य प्रमुदिता सुवास संगल कृतः दशधेनु सहस्राणि परिबह्रमदाद् विभु युवतीनां त्रिसाहसं निष्कग्रीव वसुवाससं नवनागसहस्राणि नागाच्छत गुणान् रथान् रथाक्षत गुणान् गुणांसान् रथाक्षत गुणांसान् आच्छत गुणानरान् शब्दानुवाद श्लोक 49 नंबर र शब्दानुवाद शंख शंख भेरी सिंगा आनक तथा तथा ढोल नेदुहु बाजी उठिला गीत गीत वाद्य वाद्य संगीत द्युज ब्राह्मण मानकर आशीष एवं आशीर्वाद नराहा मनुष्य माने नार्य स्त्रीलोक माने प्रमुदिता प्रसन्न सुवास सुंदर वस्त्र मानक द्वारा शक एवं फूलमाला अलंकृत सुसज्जित। अनुवाद गीत तथा वाद्य संगीत और ब्राह्मण मानक द्वारा आशीर्वाद सूचक ध्वनि सहित
शंख भेरी तथा ढोल बाजिबा को लागिला। आनंदित चित्तरे पुरुष और महिलागण निजकु सुंदर वस्त्र फूलमाला द्वारा सुसज्जित कराइथिले। श्लोक 50-51 र शब्दानुवाद। दस दस धेनु गाभी मानंकर सहस्राणी हजार पारि बहर्म विवाह उपहार अदात देले विभु शक्तिशाली राजा नग्नजित युवती युवती मानंकर त्रिसहस्रम 3000 निष्क स्वर्ण अलंकार ग्रीब जहांक गलारे सु अति उत्तम बाससम जहांकर वस्त्र नव न नाग हाथी मानंकर सहस्राणी हजार नागात हाथी मानंक अपेक्षा शतगुणान 100 गुण अधिक बा 900000 अश्वान अश्व मानंक तुलनारे शत गुणान 100 गुण अधिक नरान मनुष्य मानंकु। श्लोकपे अनुवाद। जौतुक हिसाब से शक्तिशाली राजा नग्नजित 10,000 गाभी 3,000 युवती सेविका जो मैंने से मानक गलारे सुनार आभूषण पिंधिथिले ताहा सुंदर वस्त्र अलंकृत थिले 9,000 हस्ती हस्ती मान 100 गुण अधिक रथ एवं रथ अपेक्षा 100 गुण घोड़ा एवं घोड़ा ठार 100 गुण अधिक भृत्य बा चाकर देथिले। हरे कृष्ण। आजिर आलोच्य विषय दशम स्कंध 58 अध्याय श्लोक नंबर 49-51। तेबे जदियो यही विषय बारंबार आलोचित होउची प्रत्येक दिन, जदियो विभिन्न वक्ता विशेष करके जो मैंने शास्त्र प्रति समर्पित शास्त्र सेवार अच्छा शास्त्र अध्ययनर अच्छा से मानक मुखर आपण मैंने निश्चिंत भाव आस्वादन करुवे। जदिओ धारावाहिक क्रम समस्त सुजोग दिया आम भली शास्त्र ठारू दूर रहुथिबा शास्त्र सेवारु दूर रहुथिबा एक आजिर सुजोग आमको मिलिछि। तेबे जहा हेउ जेमती मीठा सहित खटा कसा ए सबू रही से भली खटा नथिले मीठार स्वाद अनुभव हुए नि यथा रामभद्र प्रभु आत्मानाम प्रभु तुकाराम प्रभु भली वक्ता जो मैंने कि शास्त्र सहित सब रही शास्त्र अध्ययन रही से मानकर महत्व वृद्धि पाइब यदि आम भाया वक्ता मझे मझे देवे से मानकर गुण परिप्रकाश हेब। तेबे जहा हेउ आज आलोच्य विषय वस्तु हूँ ये 58 अध्यायर श्रीकृष्ण पांच राजकन्या को विवाह कले। तेबे ये पांच राजकन्या को जो विवाह कले दुईट यह पूर्व आलोचना पूर्व दुईट राजकन्या को विवाह कर सारी आमर कालिंदी मित्रबिंदा दुई राजकन्या को विवाह कर सारी एवं आलोच्य विषय वस्तु जो नग्नजीति नग्नजीति राजा नग्नजीत जय श्री श्री गौनीताय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी की जय। जय श्री राधा गोपनाथ राधा गोपाल जी शिल उपाशील गुरुदेव जय। राजा नग्नजीत कन्या नग्नजीति बा सत्या तांकू विवाह कर सारी आज प्रसंग 49 नंबर श्लोक जो आनंद महोत्सव विवाह परे से राजा
गीत तथा वाद्य संगीत और ब्राह्मण मान द्वारा आशीर्वाद सूचक ध्वनि सहित शंख भेरी तथा ढोल बाजिया लगला। आनंदित चित्तरे पुरुष और महिलागण निजक सुंदर वस्त्र और फूलमाला द्वारा सुसज्जित करते। 49 नंबर श्लोक वर्णना करते विवाह पर जो भाई आनंद उत्सव आयोजन करा जाई तार वर्णना दि जाए। एवं 50-51 नंबर श्लोक वर्णना दि जाए राजा नग्नजीत किभली भाव रे बहु संख्या रे गाभी आउ हस्ती रथ एवं सेविका भाव रे सुंदर युवती मानकु प्रदान करचंती जौतुक भाव रे। तबे अच्छा ये होची हमर माने सत्या बा नग्नजीति तृतीय नंबर जो पांच राजकन्या तृतीय नंबर या पूर्व दुई राजकन्या को विवाह कर सारी आ परे दुई कन्या को विवाह करिवे। आपण माने जानिथिबे आ पूर्वरु ए विषय पूर्वरु तीन राजकन्या को विवाह कर सारी रुक्मिणी सत्यभामा आउ जांबवती। एभली भावरे आठ राजकन्या कर आमे सुनिबा। तबे आपण सब जानथिबे भगवान श्रीकृष्णंकर जो राणी समुदाय केते राणी समुदाय राणी को संख्या 16108 16108 राणी एथिरे आठ राणीकर कथा पूर्व तीन राणीकर कथा सरीची रुक्मिणी सत्यभामा जांबवती एवं एथिरे पांच राजकन्या ए प्रसंगरे। तबे आठ राजकन्या ए आठ राजकन्या होचिन आठ पाटो राणी ये होचंती भगवानक राणीक भितरे प्रमुख राणी बा प्रिय राणी माने। परवर्ती समय रे परवर्ती चैप्टर आसीबो नरकासुर बद्ध नरकासुर को बद्ध करी की नरकासुर बंदी कर रखिथिबा 16100 जो स्त्री मानुकु विवाह करिवे एभली भाव रे 16108 तबे आमर ये होची द्वारका लीला ब्रज लीला रे जो गोपी मान सहित तो जो लीला करचंती गोपी को संख्या केते गोपी को संख्या 16108 अर्थात मु एठी प्रसंगटा को एठी उत्थापन करे पई चाहू छै पई जे जेउ गोपी माने ब्रज लीला रे भगवानकर परकिया रस आस्वादित करौथिले भगवान को सेई गोपी मानकर एक्सपेंशन कहिना राधारणी होचंती सोर्स ऑफ ऑल एक्सपेंशंस राधारणी कहिना भगवान को कृष्ण को जो कंजुगल मेलो जो माधुर्य रस आस्वादन करया पई राधारानी निजुकु विस्तार करुचंती जेते आमर ब्रजरे परकिया रस आस्वादन करया पई निजुक एक्सपेंशन करैचंती गोपी भाव रे सखी भाव रे एक्सपेंशन करैचंती कृष्ण को एई परकिया रस आस्वादन करैचंती एवं द्वारिका लीला रे सेई भली निजुकु एक्सपेंशन करे चंती सो किया रस आस्वादन करया पे तो ये समस्त होचंती राधारानी कर एक्सपेंशन ए संपर्क रे आमर वर्णना अछि चैतन्य चरितामृत रे जे चैतन्य चरितामृत 1446 नंबर पयरे अच्छी दुई प्रकार रस विचार कथा कह जाऊ अतएव मधुर रस कही तार नाम सो किया परकिया
सुरक्षा परोक्षा भावे विविध संस्थान तान ये जो रस आमर जो पांचटी रस रही प्रथमटा हूँ शांत जोटी डिस्कार्ड कराई कलीजुगर ये महाप्रभु डिस्कार्ड कर शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य यही रस विचार सर्वोच्च रस हूँ ये माधुर्य रस तेणु ये माधुर्य रस को दुई भाग करा जाइछि गोटे हूँ सुरक्षा एवं परोक्षा जहाँकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी यठार वर्णन देखते आदिलीला चतुर्थ अध्याय 46 परिच्छेद एवं 47 नंबर परिच्छेद परकिया भावे अति रसेर उल्लास ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाही बास तेणु यही परकिया भाव जोटे कि मानने हाएस्ट रस ये कंजुगाल मेलर जो माधुर्य रसर जो हाएस्ट आस्वादन सर्वोच्च आस्वादन ये परकिया भाव ब्रज छड़ा अन्त्र कौटी यह मिले ना यह संभव नुहे तेणु श्रीमती राधाणी होती कृष्ण लादिनी शक्ति कृष्ण को मानने आनंद दवापी प्लेजर पोटेन्सी कृष्ण को आनंद दबापे राधांकर प्रकाश तेणु यही परकिया जहाँ परकिया रस भाव आमर ब्रजरे कृष्ण को आनंद दौले जो आस्वादन दौले द्वारिका लीलें जिते क्या भगवान तो लीला करने आसना ब्रजभूमि छाड़ी जो द्वारिका लीला जाऊँच कि द्वारिकार ये परकिया रस संभव नुह केवल ब्रजरे से राधाराणी निजुक एक्सपानसन कर द्वारिकार राणी रूप से कृष्ण सेवा करने रस आस्वादन करने तेणु रस जो ये सब भगवान कांता रूप से भगवान को कांता रूप से कहीं ना जो माधुर्य रस भगवान को आस्वादन करने मैंने कांता रूप से ही मैंने सेवा कर माधुर्य रस भगवान को आस्वादन करना यही कांता मैंने ये जो कांता भगवान जो कांता सब अच्छा से मैं त्रिविध प्रकार से चैतन्य चतुर्थ आदिला 74 मैंने प्रथम चतुर्थ अध्याय 74 75 परिशिष्ट वर्णन अच्छी कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार एक लक्ष्मी गणपुरे महिष गण आर ब्रजांगना रूप आर कांता गण सार श्रीराधिका होते कांता गणेर विस्तार तेणु कांता त्रिविध प्रकार एक होची लक्ष्मीगण महिषीगण एवं राधिका श्रीमती राधिका होचंती समस्त माने कांतागण कर होचंती विस्तार जेते कांता अच्छा कांता विस्तार होती श्रीमती राधा राधाराणी तेणु एठी ये प्रसंग उत्थापन करार उद्देश्य ये जो राणी सत्या को जो विवाह कले राजकन्या सत्या बा नग्नजीति को तो नग्नजीति से होती जे कि राधाराणी एक्सपानसन यही नग्नजीति परवर्ती समय रे कारण भगवान
जो रूप से सब अच्छा विष्णु पाखे अच्छा आमर तीन शक्ति आमर भूदेवी श्रीदेवी ये होती ये गोटे शक्ति निजुक एक्सपानसन कर सत्या एक्सपानसन कर विष्णु पाखे शक्ति रूप से अवस्थान कर तबे भगवान सुख विधान पाए राधाराणी एक्सपानसन कर निजुक से हूँ सत्या जेकि भगवान को पति रूप से पायापाई एस गोटे प्रश्न उठे विशेषकर भगवान को कृष्ण को साधारण लोक बुझीपारती ना राम को भगवान भाव मैंने ग्रहण करेंगे किंतु कृष्ण को से ग्रहण करते ना कहीं मैंने भावती पे कृष्ण जड़े कामुक पुरुष स्त्री आसक्त व्यक्ति तेणु भगवान को भगवान भाव मैंने सहजरे बुझीपारती ना तेणु यार प्रश्नर उत्तर कौन हो पार भगवान एत स्त्री कहीं ग्रहण कर जो सर्वोच्च मानने रस रस विचार ए माधुर्य रस जहाँकि केवल यही स्त्री कांता मान सहित ए माधुर्य रस आस्वादन करती भगवान कहीं मैंने यही कांता मान को कहीं श्रेय दौ स्त्री मान को कहीं श्रेय दौंते ये एत स्त्री ग्रहण करगवान हूँ आत्माराम आप्तकाम आत्मा रामाय शांत कवैल्य कवैल्य पतय नम सी होत्मा निज आत्मार से रमण कर सी अग का सहित रमण कर आवश्यकता ना किंतु से रमण कर आत्मा रामाय शांताय से शांत सब बड़े आम साधारण व्यक्ति काम द्वारा प्रपीड़ित तो होती से काम द्वारा से एजिटेट हूँ ना शांत धीर भगवान आत्माराम आप्तकाम तांकर कामना स्वयं पूर्ण हुए तेणु से कहीं ताले स्त्री ग्रहण कर स्त्री मान सहित लीला कर भगवान समस्तंकर इच्छा को पूर्ण करती कारण भगवान भाव जी जो भाव भगवान को पायापी चाहिए भगवान को माने पूजा सेवा करने चाहिए भगवान अंतर्जामी भगवान तांकर मनस्कामना पूर्ण करती जदि से कुब्जा को स्त्री भाव ग्रहण कले से कौन राम अवतार रे जे से सुपर्णरेखा को ग्रहण कर पार नथांते कारण से स्त्री स्त्रैण नुहंती से राम अवतार रे एक पत्नी व्रत ग्रहण करथिले सेथिपई से सुपर्णा को से स्वीकार कर पारले नि एवं जेहेतु से रामचंद्र को स्वामी रूप से पाया अंतरे कामना करछंती तांकर कामना पूर्ण करिया पई पुणी कृष्ण लीला रे तांकू कुब्जा करी स्त्री भाव ग्रहण कले तेब कह कथा जे भगवान जो एत स्त्री ग्रहण करोपी मान सहित जो लीला करवल भक्त चाहती स्वामी रूप से पाइबापी तेणु भगवान तक इच्छा पूर्ण करदरवैज भगवान कौन सी कामना तक ना तेणु से आत्मा रामाय शांताय तेबे ए जो क्रम आमर सत्या को ग्रहण कर सत्या आरंभरु से भगवान को पायापी से कामना करछन पिता नग्नजीत से मध्य जने परम भक्त तेणु नग्नजीत को ग्रहण करिया पाई से
ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଏବଂ ନଗ୍ନଜିତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ନଗ୍ନଜିତ ଯେଉଁ ରାଜା ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବ କିଏ, ଯିଏ ସାତଟି ବୃଷଭକୁ ହିଂସୁକ ଜଙ୍ଗଲୀ ବୃଷଭକୁ ଯିଏ କରାୟତ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦମନ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଦେବେ। ଏଥିରେ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଣ୍ଡିସନ ସେ ରଖିଥିଲେ ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସେ କରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନଗ୍ନଜିତି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନଗ୍ନଜିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପତି ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମର କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୋର ଏହିଭଳି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଏ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏବଂ ଭଗବାନ ସେ ସାତଟି ବୃଷଭକୁ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରାଇଛନ୍ତି, ସାତଟି ରୂପରେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରି ସାତଟି ବୃଷଭକୁ ଦମନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ସାତଟି ରୂପରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନଗ୍ନାକୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ନଗ୍ନାଙ୍କ ମନରେ, ସେ ନଗ୍ନଜିତଙ୍କ ମନରେ ଏ ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହିଭଳି ସ୍ନେହ ଆଦରରେ କିଛି ଉଣା ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ମାନେ ସାତଟି ରୂପରେ ମାନେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସତ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବିବାହ ହୋଇଛି, ବିବାହ ପରେ ଆପଣ 49 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଶୋକ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସବୁ ମାନେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ରାଜା ନଗ୍ନଜିତ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯୌତୁକ ଆକାରରେ, ମାନେ କଥା ହେଉଛି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାଟା କେବଳ ଏବେକାର ନୁହେଁ, ଏ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ, ବହୁ ପୁରାତନ, ତା ବୈଦିକ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୌତୁକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଇଏ ପ୍ରଥାଟା ମାନେ ବୈଦିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ବୈଦିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ସେ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, କାରଣ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ସେସବୁ ଦେଉଥିଲେ, ଯୌତୁକ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇ ଯୌତୁକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଯୌତୁକ ହିସାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ନଗ୍ନଜିତ 10,000 ଗାଧୀ, 3,000 ଯୁବତୀ ସେବିକା ଏବଂ 9,000 ହସ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ରଥ ଏବଂ ରଥ ଅପେକ୍ଷା 100 ଗୁଣ ଘୋଡ଼ା। ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, 10,000 ହେଉଛନ୍ତି ଗାଧୀ, 3,000 ଯୁବତୀ ସେବିକା ଯାହାଙ୍କ ଗଳାରେ ସୁନାର ଆଭୂଷଣ ସବୁ ଭରି ହୋଇକି ରହିଥିଲା ଏବଂ 9,000 ହସ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ରଥ, ତା'ମାନେ 9,000 × 100 9,00,000 ରଥ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପିଆ
100 गुण अधिक घोड़ा ताने घोड़ार हूँ 9 कोटी से हिसाब से 9 कोटी घोड़ा घोड़ा ठारू 100 गुण अधिक भूत्य चिंता करतु घोड़ा हूँ 9 कोटी 9 कोटी 100 गुण के 900 कोटी आम 900 कोटी भूत्य देते आप चिंता करूँ आम भारत पॉपुलेशन के 140 कोटी ए 900 कोटी आम एटा कनसीव कर पार ये सब जिनस भूत्याकार कारण जे भगवान को दौंती भगवान को जमात भाव में स्वीकार करगवान सेवाई भूत्य दौंती तेणु ये सब जिनस आम कनसीव मैंने के चिंता भी करी करें तेणु यही आमर ए प्रसंगे आमर से समय जौतुक प्रथा वर्तमान जौतुक प्रथा ए संपर्क आम परम पूज्य गुरुदेव श्री गौरगोविंद महाराज तांकर आमर भगवत दर्शन पत्रिका को गुरुदेव जो संपादकीय लेखा दिंती जो संपादकीय लिखती से विषय गोटे प्रसंग अच्छी जौतुक जौतुक प्रथा एवं जो जो मान स्त्री निर्यातना जो चलती तेणु से गुरुदेव वर्णना दौंती जे ये जो जौतुक प्रथा किसी निंदनीय कार्य नुहे जौतुक प्रथा हूँ मानने एक परंपरा प्राचीन परंपरा वैदिक नीति नियम अनुसार जौतुक मान दि जाए किंतु आजिकल सब कौन हो ना आमर जौतुक गोटा बाध्यता भाव में दि जाऊँ जुलम कर जौतुक सब आम दाबी कर अच्छा तेणु श्री गुरुदेव तेणु से कहते यहाँ आमर गुरुदेव वर्णना दौंती यहाँ स्वेच्छाक्रमे ये जौतुक स्वेच्छाक्रमे जौतुक दान कर दरकार एवं यहाँ बात्सल्य ममतार निदर्शन हवा दरकार जड़े तार कन्या प्रति भल पाइबार भाव से जहा देवे बरपक्ष स्वीकार करा उचित जोद्वारा आम जो परंपरा नाम जौतुक आम दाबी करु आम जानूना कन्या घर सामर्थ्य केते जोद्वारा कि आम दाबी कर गुरुदेव जे अनेक क्षेत्र में जदि आम जौतुक दाबी करूना किंतु आमर प्रकांतर आमर रही कौन ना कामना गोटे चाकरिया झील जहाद्वे कौन आम चाकरिया झील आम ताठू मैंने अर्थ लाभ करवा तेनालीर कि यही अर्थ जहाद्वे कौन स्वामी स्त्री पवित्र संपर्क से रुना परवर्ती समय रे आमे स्त्री निर्यातना स्त्री अत्याचार डिवोर्स आदि सब कार्य घटू से गुरुदेव तार समाधान दौंस केवल यार कारण हूँ आम कृष्ण चेतनार अभाव यदि आम कृष्ण कैंद्रिक पारिबा कृष्ण चेतना को प्रचार करी पारिबा कारण आम एपभोग कामना रोचे जदि आम कृष्ण चेतना रहा कृष्ण हेले उपभोगकारी आम स्त्री उपभोग्य आउ पुरुष उपभोग्य भगवान उपभोग्य तेणु सेठी आउ यही स्वामी स्त्री भितर यही अर्थ को नहीं कि कामना को नहीं कि द्वंद्व रही निर्यातना
ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କର ସେଇ ଏଡିଟୋରିଆଲରେ ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ, ଏ ଯୌତୁକ ପରମ୍ପରାଟା କିଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ସେଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 31-32 ଶ୍ଲୋକ। ଚତୁଃଶତଂ ପରିବହରଂ ଗଜାନାଂ ହେମମାଳିନାଂ ଅଶ୍ୱାନାଂ ଅୟୁତଂ ସାର୍ଦ୍ଧଂ ରଥାନାଂ ଚ 63 ଦାସୀନାଂ ସୁକୁମାରୀଣାଂ ଦେଶତେ ସମଳକୃତେ ଦୁହିତ୍ରେ ଦେବକ ପ୍ରାଦାଦ ଜାନେ ଦୁହିତୃବତ୍ସଳ। ଆମର ଦେବକୀ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଦେବକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତି ରଥ ଘୋଡ଼ା ଆଦି ସବୁ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପିତା ଦେବକ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଯିବା ସମୟରେ ଯୌତୁକ ରୂପେ 400 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଭୂଷିତ ହସ୍ତି, 400 ହସ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, 10,000 ଅଶ୍ୱ, 1,800 ରଥ, ଅଳଙ୍କାର ବିଭୂଷିତା 200 ସୁନ୍ଦର ଦାସୀ ଯୁବତୀ ଦାସୀ ସଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବକ। କାହାକୁ ନା ଦେବକୀ, ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବକୀ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଯୌତୁକ ଏଇଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଥା ମାନେ ରହିଛି। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ କନ୍ୟା ଉତ୍ତରାଧି ସୂତ୍ରେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିକି ଯାଏ ସିଏ ଆଉ ପିତା ଘରର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସେ ଆଉ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରହେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପିତା ସ୍ନେହବଶତଃ ଯୌତୁକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଭାଷ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଇଏ ତ ହେଉଛି ରାଜାମାନଙ୍କର, ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୌତୁକ ଦେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଏଇ ଯୌତୁକ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ଗମନ ସମୟରେ ସ୍ନେହବଶତଃ ଭ୍ରାତା ଯେଭଳି କଂସ ସିନା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ନେଉଛ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ତୁମର ତାଙ୍କ ଉରୁଷରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନ ତୁମର ତୁମକୁ ନିଧନ କରିବ, ଏ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ବୋଲି ସିନା କଂସ ତା'ର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲା। ନଚେତ୍ କଂସ ଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭଗ୍ନୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଭଗ୍ନୀପତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ବଶତଃ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଅଛି ଆମର ପ୍ରଥା, ଆମେ ଯାଇଛୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବାହାଘରରେ, ଆମେ ସବୁ ଯାଇଛୁ ବାହାଘର ପରେ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସ୍ନେହବଶତଃ ଘରର କନ୍ୟାର ଭ୍ରାତା ସଙ୍ଗରେ ଯାଏ, ଯେମିତି କଂସ ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ପରମ୍ପରା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି କଳୁଷିତ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାଟା କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ହଁ କେବଳ ଏଇ ଯୌତୁକ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କୌଣସି ଗର୍ବଧବ ଅହମିକାର ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ଏତେ ଅଛି ଆମେ ଦେବୁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ରାମାୟଣରେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ରାମଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଏସବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୌତୁକ ଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯୌତୁକ କୌଣସି ଗର୍ବଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ଯେ ଆମର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୌତୁକ ଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ
जनकपुर को जाइछंती शिवधनु को भंग करके सीता विवाह करवल रामचंद्र विवाह करना सहित जो भाई माने सबू भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न विवाह कर जनक महाराज कन्या मानू उर्मिला जे कि सीतादेवी जे सान भौणी से विवाह कर लक्ष्मण को आउ भरत विवाह कर जनकंर जो सान भाई कुशध्वजर बड़ झी मांडवी को विवाह कर शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति को विवाह कर चारि पुत्र मान विवाह विवाह परे तब तेणु सलापरे जौतुक दौंट बना अच्छी से जौतुक एत परिमाण रे जोटा कि कही हम ना मान रामचरित मानस बना ची कही न जाई किछु दाई जो भूरी रहा कनक मनि मंडपु पूरी मैंने आर वर्णना करहबनी ये जौतुकर परिमाणटा मैंने कहा जाई परिवनी वर्णना करा जाई परिवनी तेणु आम शेष करवा अर्थात बहु प्रकार जमी हाथी घोड़ा रथ दासदासी विभिन्न गहनार मंडित कामधेनु तुल्य अनेक गाभी प्रदान कले एवं ये कर सारापर दशरथ महाराज ने से जनक महाराज आसिक दशरथ पाखे पहुँचती किभली भाव ना रामचरित मानस बर्णना अच्छी सनमानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई कई प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई कई शिरु नाई देव मनई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तुष जलंजलि दिए किभली भाव रे ना आदर दान विनय एवं प्रशंसा द्वारा समस्त बरजात्री मानक सम्मानित करी राजा जनक विपुल आनंद और प्रेम सहकारे मुनि मानक पूजा और वंदना कले मुंड नुआई देवता मानक मनासी करपत्र जोड़ी राजा समस्त को मधुर भाव में कहले देवता और साधुजन माने भाव चाहती अर्थात प्रेमर ही प्रसन्न हुंती से ही पूर्ण काम महानुभव को कहीं किसी दे किपरि संतुष्ट करी परिवे कौन आंजुलाए जल देदेले समुद्र के संतुष्ट हो पार अर्थात जे एते परिमाण दे जहाँ कि वर्णना करहबनी एते परिमाण से दौंती जौतुक से यही दयनीयता प्रकाश करे दशरथ पाखे जे कौन आंजुए जल देदेले समुद्र के संतुष्ट हो पार तेणु से एत देलापर मध्य से संतुष्ट नुहति जे कहते जमी मैंने अल्प किसी देवता साधुजन मैंने भाव चाहती अर्थात प्रेम रे ही प्रसन्न हुंती से ही पूर्ण काम महानुभव कहीं किसी दे किसी कि संतुष्ट करना एत देलापर मध्य से कहते जे साधु माने संबोधन करचंती साधु महान माने भाव दशरथ एवं बरजात्री मानू ग्रहण करचंती को भाव द्वारा से मानक प्रसन्न करा जाई पारिबो केही किछि देई संतुष्ट करि पारिबे नाही तेणु केवल भाव द्वारा जनक आम संतुष्ट करि पारिबा माने उद्धार करिया कारण जे यही भाव रे जौतुकटा
प्रदान करा जाए निजर गर्भदम्भ अहंकार अहमिका को देखा पई दिया जाए नहीं। तेणु समय हो जाऊँ तबे आज प्रसंग जौतुक राजा नग्नजीत देउचंती निजर झियो प्रति भल पाइबा सत्या नग्नजीत भल पाइबार निदर्शन आउ ता सहित से भगवान स्वयं भगवान परमेश्वर भगवान जहाँ को सी भक्ति करूँ पाइबापी से कामना करुले से भगवान आज तर जामात रूप से मैंने से तर सेवा स्वीकार करेणु ताकू से समर्पण कर सेतिपई से बहु परिमाणर से घोड़ा रथ हस्ती आदि जहाँ कहते भृत्य आकार 900 कोटी जहाँकि आम आम चिंता ही करी पारिबा नहीं। तेणु यही भगवान को देकी भगवान को समर्पण कर भगवान भक्त भाव नग्नजीत राजा भक्त भाव भगवान को संतुष्ट करने ये सब समर्पण कर विशेषकर कन्या रत्न को समर्पण कर भगवान प्रत्यावर्तन कर भाव आज विषय वस्तु आम ये विश्राम देवा। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय महाराणी सत्या की जय। जय नग्नजीत महाराज की जय। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। पतित पावन शील गुरुदेव की जय। जय श्री श्री गौनीताय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी की जय। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ राधा गोपाल जी की जय। नीताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। जय पतित पावन शील गुरुदेव की जय।